हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि अगर ईयरफोन का यहाँ से खराब हो जाए, पिन के पास से खराब हो जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें प्रॉब्लम है कि आपका लेफ्ट वाला जो है नहीं बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है इसका डायग्राम। ठीक है, ये इस तरह अगर आप रखते हैं तो ये पिन जो है, ठीक है, ये लेफ्ट के लिए होता है, ये राइट के लिए होता है, लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर, ये ग्राउंड के लिए होता है और ये माइक के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए आपको कनेक्शन जो करना है, ठीक है, फर्स्ट वाला माइक में करना है, सेकंड ग्राउंड उसको राइट स्पीकर लेफ्ट स्पीकर। इसका मतलब ये पिन यानी ये फर्स्ट, यहाँ देख लीजिए, ये फर्स्ट का ये फर्स्ट, ये सेकंड का सेकंड, ये थर्ड का थर्ड, ये इस तरह आता है। ठीक है, सबसे किनारा का ये किनारा हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद का ये, उसके बाद का ये इसी तरह कनेक्शन जुड़ा होता है। तो अब आपको देखना है कि इसको क्या करें, कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप यहाँ से काट के इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको काट के हटा दीजिए, इसमें धागा लगा होता है जिसका चलते काफी मजबूत होता है, इसको अच्छे से काट दीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां मोड़ने से खराब हो रहा था तो थोड़ा सा बढ़ा के इसको भी और एक बार काट देना है। ठीक है, इसकी वायर तो कट जाता है लेकिन धागा जो इसमें लगा होता है वो काफी मजबूत होता है। ठीक है, तो ये जो बच जाएगा वो बाद में सोल्डिंग करते समय ये जल के खत्म हो जाएगा। तो काट के हटा दीजिए। अब उसके बाद इसको यहां से रिमूव करना है, इसका जो कवर लगा हुआ है इसको रिमूव करना है अच्छे से। ठीक है, तो ये काम थोड़ा सा रिस्की होता है। ठीक है, काटने में आपका हाथ बचा के काटना है तो आप इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल केयर से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको काटना है। ठीक है, उसके बाद कटर का हेल्प से भी आप इसको इस तरह निकाल सकते हैं। बिल्कुल केयर से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना इसमें। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये और काफी हार्ड है। ठीक है, ये और भी ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो इसको भी आप कटर की हेल्प से कट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना ज्यादा हार्ड है। बिल्कुल आराम आराम से करना है, इसको काटने में आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। होल्ड करने के लिए आप प्लायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे तरह से निकल चुका है, आपको पॉइंट दिख रहा है, एक दो तीन और चार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लायर के हेल्प से ही आपको इसको क्लीन कर लेना है, जैसे कि प्लायर से ही पकड़ना है, तो अदरवाइज ये हीट होकर आपका हाथ जला सकता है। ठीक है, पहले से जो भी एक्स्ट्रा लांगा लगे हुए हैं उसको आपको हटा देना है। किसी भी कंपनी का ईयरफोन हो तो आपको ऐसा ही करना है, प्लायर से बहुत जोर से भी नहीं दबाना है ताकि पिन का जो गोलाई है वो दब के चपटा ना हो। ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक बार फिर से
ये आपका माइक का पिन है पहला वाला, उसके ऊपर ग्राउंड का पिन है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, राइट स्पीकर, उसके सबसे ऊपर लेफ्ट स्पीकर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको भी, ठीक है, कितने आसानी से इसको हटा दिया गया। अब देखिए आपको क्या करना है, सभी को अलग अलग करके, ठीक है, सभी को, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है, बाकी ये सभी को अलग अलग करके फिर से छीलना है, ठीक है, ठीक है। ईयरफोन बनने के बाद ऑड ना दिखे, क्योंकि ये तो काट के आप हटा दिए हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम लगाएंगे तो ये थोड़ा सा ऑड दिखेगा और मजबूत भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन का किसी भी निचले हिस्से को काट लेना, ठीक है, किसी भी पेन का निचले हिस्से को काट लेना है, उसके बाद आप इस तरह डाल दीजिए अंदर, सभी तार को, सभी वायर्स को आप अंदर ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह आप बनने के बाद कुछ इस तरह होगा, जो कि सही लगेगा और नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसमें ग्लू हम लोग लगा के अच्छे से चिपका दिया जाएगा, ताकि क्या होगा, ये तार भी खींचने से बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक एक करके देखिए, बेसिकली ये चार वायर होते हैं आपके, ये जो है बस मजबूत करने के लिए दिया था, और ग्राउंड है, ठीक है, सभी का ग्राउंड है, ठीक है, एक ही चार से काम चल जाएंगे, लेकिन ये सब वायर देखिए तो आप एक ही होते हैं, ठीक है, सबको एक में ही लास्ट में करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी तार को आपको इसमें क्या करना है, रांगा लगा देना है एक एक करके, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ कैसे आपको रांगा लगाना है। पेस्ट अप्लाई करिए, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आराम से सब में लगाइए, बाद में मैं ज्यादा लगा रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे काट के भी छोटा करना है। देखिए कितने आसानी से ऐसे लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से लग जाता है, पहले जलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही करिए, सभी को आपको एक एक करके ऐसे ही करना है। ये हो जाने के बाद आपको देखना होगा, देखिए ये आपका हो गया लेफ्ट राइट ग्राउंड और माइक का, ठीक है ना। अब इसमें ग्राउंड का हो गया, ठीक है, और यहाँ देखिए ये एक वायर के अंदर भी एक वायर होता है, जो कि अक्सर माइक का होता है, ठीक है, तो इसको भी आपको बाहर निकालना है, इसको अलग कर देना है, ठीक है, इसको भी आप अलग कर लीजिए ऐसे, और इसको भी, इसमें भी आप रांगा लगा लीजिए। उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। आप इसका ऊपर का पीवीसी जला सकते हैं ऐसे, देखिए पीवीसी भी जल रहा है और रांगा भी अच्छे से लग गया, ये भी लग गया रांगा, यहाँ भी लग गया, अब बच गया ये दोनों, ठीक है। तो इसमें भी आपको वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही रांगा लगा लेना है, पहले थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करना है इसमें भी और इसमें भी, फिर उसके बाद आपको देखिए बिल्कुल आसानी से लग जाता है, बस आपका जो आयरन है वो अच्छे तरीके से गर्म होने चाहिए। देखिए इसमें चार से थोड़ा सा ज्यादा तार है, अगर इसका कनेक्शन आप जान गए तो फिर किसी भी ईयरफोन का कनेक्शन आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे, ठीक है, और मैं आपको एकदम आसानी से बता दूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप ज्यादा तार देख के घबराइए नहीं, ठीक है। मैंने इसको इसीलिए चुना है कि अगर इसका कनेक्शन आप कर देंगे तो आप हर ईयरफोन का कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं नॉर्मल का एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपका समझ काफ़ी बेहतर हो जाएगा उससे। जैसे मैंने बताया, यहाँ इस पोर्शन को मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक दो तीन और चार, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट और ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें स्पीकर से दो वायर निकलेंगे, इसमें से दो वायर निकलेंगे और बीच में मैं रख देता हूँ माइक, ठीक है, इसको माइक मैं रख देता हूँ, ठीक है, ये लेफ्ट राइट हो गया, ये माइक हो गया, इसमें से भी दो वायर निकलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, एक लेफ्ट वाले का, ठीक है, एक माइक का, ठीक है, और एक राइट का, तीनों का एक तार आता है। किसी किसी एयरफोन में क्या होता है कि तीनों का एक आ जाता है ग्राउंड के रूप में, ठीक है,
और वो आके आपको यहां लग जाता है सेकंड वाले पे, ठीक है। उसके बाद ये माइक का जो है, माइक का देखिए मैं यहां से ला रहा हूं, यहां ऐसे जम्फर टाइप दिखा दिया आपको, और आके यहां जुड़ जाता है, ठीक है। तीनों का ग्राउंड आके यहां जुड़ जाता है सेकंड वाले पे, और इस पे जो है माइक का जुड़ जाता है, ठीक है। और ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर, उसके बाद राइट स्पीकर। अब उसके बाद आप राइट का यहाँ जोड़ सकते हैं या लेफ्ट का यहाँ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन जनरली राइट का यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप इधर से ला के राइट का यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, और लेफ्ट जो है वो ला के यहाँ जोड़ दीजिए। ये दोनों उल्टा भी होगा तो आपका ईयरफोन बजेगा, बस राइट वाला लेफ्ट वाला थोड़ा सा उल्टा हो सकता है, लेकिन बजेगा दोनों, साउंड में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए ये नॉर्मल होता है जिसमें से चार वायर होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है किसी किसी में, मैं इसको बस इतना ही मिटाता हूं, किसी किसी में क्या होता है कि देखिए किसी किसी में क्या होता है, आपका एक तो लेफ्ट का जो आता ही है, ठीक है, लेफ्ट वाला आता ही है यहां, फिर राइट वाला यहां आता ही है, ठीक है, फिर माइक का एक यहां आता है, यानी एक दो तीन तो आ गया, ठीक है, चार पांच और ये छह, किसी किसी में छह छह तार आते हैं, ठीक है। किसी किसी में क्या होता है कि आपका दोनों लेफ्ट और राइट स्पीकर का कॉमन एक आ गया, एक माइक आ गया, पांच आ गए, तो इसी तरह होता है। ये तीन कनेक्शन तो बिल्कुल आपका उसी तरह करना है, बस जितना एक्स्ट्रा आपको दिखे वो सब ला के आप ग्राउंड में जोड़ते जाइए, ठीक है, ये तीन के अलावा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो, अब मैं उसी अनुसार आपको इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो यहां भी देखिए, यहां भी छह वायर्स है, ठीक है, यहां भी देखिए एक दो तीन और एक दो तीन, ठीक है। तो रेड वाला हो गया राइट, और ग्रीन वाला हो गया लेफ्ट, और ये हो गया माइक, ठीक है, जो अंदर से निकला था व्हाइट कलर का, देख लीजिए ये हो गया माइक, और ये तीन ग्राउंड। ये तीनों ग्राउंड को आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि ये किसी किसी में ऊपर ही जुड़ के आते हैं, किसी किसी में आपको यहाँ पिन के आसपास आके तीनों को ट्विस्ट करना होगा एक ही में, ठीक है। तीनों को एकदम अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर से एक इस पे रांगा लगाना है ताकि ये दोनों आपस में अच्छे से जुड़े रहें। देखिए फिर से अच्छे से रांगा लग गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबको छोटा छोटा करना है, ठीक है। जैसे देखिए इतना बड़ा है, इसको मैंने काट दिया, इसको काट दिया, ठीक है, इस तरह इसको भी काट दिया, ठीक है। अब देखिए ये ग्राउंड है, ये माइक है, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह कर लेता हूं, अब देखिए इसको, ऐसे पकड़ना है, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको समझ में भी बिल्कुल बेहतर तरीके से आएगा अगर आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। देखिए ये वाला फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया ये क्या चीज का है, तो माइक का है, तो मैंने फर्स्ट वाले पे माइक वाला जोड़ दिया, ठीक है। सेकेंड मैंने बताया था आपको ये ग्राउंड है, बिल्कुल अच्छे से जोड़े प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और रेड राइट वाला है। अब देखिए यहां दो हो गया, आप थोड़ा सा इसको घुमाइए ताकि अगला पॉइंट आपको दिखे, ठीक है। रेड वाला जो है राइट का है, यानी वाले रेड जुड़ा जाएगा, इसको इधर कर लेता हूं, उसके बाद लेफ्ट जोड़ा जाएगा, ट्वीजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मजबूत आपको जोड़ना है, लूज सोल्डिंग नहीं करनी है, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्डिंग हो चुका है। अब आप इसको चाहे तो पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्लू लगाने का काम करना है, यहाँ पे ग्लू लगाना है, ठीक, ग्लू लगाने के बाद फिर इसको
कवर को अच्छे से इस तरह ऊपर चढ़ा देना, ठीक है।